नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय इति मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता। इसे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। बच्चे सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? जंक फूड खाते ना। आप लोग इसे बनाकर दीजिए, देखिए उन्हें कितना ज़्यादा पसंद आएगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हम इसे बनाएंगे आटे से। तो करीब हमने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है गेहूं का, और उसे हम अच्छे से छान लेंगे। फिर यहाँ पे हम डालेंगे नमक। करीब हम यहाँ पे 1/3 टेबल स्पून नमक का यूज़ कर रहे हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हमें एक टाइट सा डो तैयार करना है। डो जितना ज़्यादा टाइट होगा ये उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर आपके पास आटा बच जाता है तो आप उससे भी बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि डो जो हो वो टाइट होना चाहिए। उसमें आप नमक मिक्स कीजिए और डो को अच्छे से बढ़िया सा टाइट तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे इसे आटे को हम यहाँ पे गूंथ ले रहे हैं। तो पानी जितनी ज़रूरत होगा उतना ही आप आटे में डालिएगा। आटा हमारा अच्छे से गूंथ गया है। अब इसमें हम करीब 1/2 टेबल स्पून हम हल्का सा ऑयल लगाकर इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाए, फूल जाए। अब यहाँ पे आटा जो है वो अच्छे से फूल गए। देखिए कितना ज़्यादा टाइट है। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लोइयाँ काटेंगे। तो यहाँ पे आटा जो होना चाहिए वो है, देखिए आप देख सकते हैं कि आटा कितना ज़्यादा टाइट है। और सिर्फ इसे हम यहाँ पे आटे से बना रहे हैं, तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चे क्या है ना, रोटी नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो आप उनको इस तरीके से बना कर दीजिए। बच्चे बहुत आराम से खा भी लेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो यहाँ पे हमने इनकी लोइयाँ थोड़ी सी हमें मोटी काटनी है। जितनी हम रोटी के लिए लगभग रखते हैं रेगुलर में, उतना ही हमें लेना है। फिर हमें इसे परथन लगाकर बेलना है। आटा जितना टाइट होगा तब भी हमें इसे परथन लगा के बेलना है। तो जितना हम परथन लगा के बेलेंगे उतना ही बढ़िया ये रोल बनेगा। तो यहाँ पे हम इसके रोल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। और देखिए इस तरीके के, अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक का पाइप है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया से रोल बनते हैं। ध्यान है जो भी आप लेंगे आपको क्या कहते हैं, साफ़ बिल्कुल क्लीन से ही लेना है, क्योंकि इसी से हम रोल इसके बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी रोटियां यहाँ पे हम बेल ले रहे हैं एक साथ। अभी मैं 4 रोटियां बेल के आपको दिखा रही हूँ, फिर आपको रोल बनाकर मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसके रोल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और स्वादिष्ट रेसिपी होने वाली है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो यहाँ पे हमने इनके जो रोटियाँ हैं वो बेल ली हैं। तो इस तरीके से हमने रोटियों को बेला है। तो यहाँ पे अब हम आपको रोल बनाकर दिखाते हैं। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रोटी लेंगे, उस पर हल्का सा परथन लगाएंगे। फिर हम इस तरीके से जो हमने प्लास्टिक वाला रोल लिया उसको रखेंगे और इस तरीके से राउंड करेंगे। हल्का सा हम पानी लगाएंगे। फिर इस तरीके से हमें दोनों को रोल करना है दोनों हाथों से। फिर हमें एक फिंगर डालकर इस तरीके से निकाल लेना है। और ये देखिए कितना परफेक्ट बढ़िया सा रोल जो है वो बनकर तैयार है। तो यहाँ पे हमारा एक रोल बन गया है। और ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा यूनिक लग रहा है। तो सोचिए ये खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। तो यहाँ पे हम रोल जल्दी जल्दी इसके तैयार कर लेते हैं, फिर हम आगे के प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे रोल बना के रख लिए हैं। अब बारी आती है इनको स्टीम करने की। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, पानी में पकाएंगे। अगर आप स्टीम करना चाहते तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पर इसे आप लोग पानी में पकाइए तो बहुत ही बढ़िया से पकते हैं।
तो यहाँ पे हमने पानी लिया है प्रेशर कुकर में। आप कोई बड़ा सा फैला वाला बर्तन दीजिएगा। फिर यहाँ पे इसमें हमने डाला है नमक करीब 1/3 टेबल स्पून, साथ में हमने 1/2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। फिर इन सबको जब अच्छे से पानी खौल जाएगा तब इसमें हम ये रोल को डालेंगे और रोल को करीब हम 15 मिनट के लिए इस पानी में ही हमें पकाना है। जब रोल काफ़ी अच्छे से अंदर से पक जाएंगे तब इसे हम ठंडा कर निकालेंगे और निकालने के बाद इसे हमें ठंडा करना है बहुत ही बढ़िया सा। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम बनाएंगे इसके जो भी बताते हैं अभी। तो यहाँ पे रोल जो है 15 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं, वो बनकर काफ़ी अच्छे से तैयार हो गए हैं और ये बढ़िया से परफेक्ट बिल्कुल पक गए हैं। इनको हम एक एक करके निकालेंगे ताकि इसके अगर अंदर भी जो पानी होगा वो भी निकल जाए। तो इसे ठंडे होने के लिए आप फैन में रखिए ताकि काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर आपको बहुत जल्दी खाने का मन है तो आप इसे फ्रिज में भी रख कर ठंडा कर सकती हैं। तो ये रोल हैं जो काफ़ी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और इस तरीके से फिंगर डाल के देख लीजिए, काफ़ी रोल बढ़िया से बन गए हैं और अंदर से भी पक गए हैं। अब इनके हम पीसेस इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे ताकि ये बढ़िया से देखने में लगें। तो यहाँ पे हम इनके पीसेस कट कर ले रहे हैं, फिर यहाँ पे हम इनको फ्राई करेंगे क्योंकि फ्राई करेंगे तभी तो ये मज़ेदार लगेंगे ना और देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्राई करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे कोकोनट, चना दाल, उड़द दाल, साथ में हम क्या कहते हैं करी पत्ता। फिर यहाँ पे हम लेंगे थोड़ी सी गाजर, अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप वो भी ले सकते हैं। इन सब शिमला मिर्च और गाजर के हम लंबे लंबे पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम प्याज और लहसुन का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं पर थोड़ा सा बढ़िया सा फ्लेवर बच्चों को पसंद आए तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑरिगैनो का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पीसेस जो हैं वो कट चुके हैं। अब यहाँ पे हमने डाला है कढ़ाई पैन में तेल, करीब 5 से 6 टेबल स्पून हमने पाना तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब यहाँ पे हम लेंगे डालेंगे राई। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख ली हैं। अब तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब बारी आती है इसमें राई डालने की। तो मेरे पास ब्लैक मस्टर्ड सीड नहीं थी तो यहाँ पे हम येलो वाली डाल रहे हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही इसका फ्लेवर होता है। साथ में जब मस्टर्ड सीड हमारी अच्छे से भून जाएगी तब इसमें हम डालेंगे करी पत्ता, उड़द दाल और चना दाल। तो उड़द दाल हमने ली है करीब यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून और साथ में चना दाल ली है 1 टेबल स्पून। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे गाजर जिसको हमने लंबा लंबा चॉप किया था। फिर हम यहाँ पे डालेंगे करीब 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में जिसमें हमने इसको बॉईल किया था वो वाला जो पानी था उसको हम डालेंगे करीब 1 कप और पानी डालकर इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर इसमें हमने जो पीसेस कट किए थे आटे के जो हमने बनाए हैं रोल उनको हम इसमें डालकर अच्छे से हम क्या करेंगे मिक्स कर देंगे ताकि सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और 2 मिनट के लिए इसी तरीके से हमें इसमें क्या करना है कलारना है, फ्राई करना है ताकि ये काफ़ी अच्छे से भुन जाए। अब यहाँ पे हम डालेंगे करीब 1 टेबल स्पून ऑरिगैनो जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा लगेगा, पिज़्ज़ा का भी फ्लेवर हल्का सा आएगा। तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा वाला जो ऑरिगैनो होता है स्पाइसी वाला वो हम डाल रहे हैं। साथ में थोड़ी सी हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और साथ में ऊपर से डालिए धनिया क्योंकि धनिया डालने के बाद इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया सा हो जाएगा। तो हमारी ये जो आटे की सिंपल सी रेसिपी है वो बनकर हो चुकी है तैयार। बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, है ना बिल्कुल यूनिक और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, साथ में आप लोग को तो पसंद आएगी आएगी, बच्चों को जो पसंद आए वो आपको तो पसंद आने ही वाला है। इसे आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से न्यू रेसिपी बढ़िया बढ़िया लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।